तो हेलो नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल बीरू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ये लाइट मोशन की मदद से एक प्रोफेशनल नियॉन फायर स्मोक वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहाँ आपको मटेरियल आसानी से उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। सिंपली आपको प्लस के आइकन पर नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको YouTube वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको बैकग्राउंड आपको ब्लैक रखना है, ठीक है। रेजोल्यूशन आपको 180 रख लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फिर से आपको नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन में चले जाना है। मीडिया फाइल ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये वीडियो जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस स्मोक फायर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो के टाइमलाइन के शुरुआत से आपको यहाँ से लगभग 0.16 यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, उसके बाद फिर से प्लस के आइकन पर नीचे क्लिक करेंगे। फिर से मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे। से आपको जो YouTube का लोगो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे यहाँ से फिर करना है मोब एंड ट्रांसफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से जूम आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है नीचे थर्ड नंबर पर, ठीक। उसके बाद इसको जूम को कम कर देना है, अपने हिसाब से सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको जूम करके फिट कर लेना है। फिट करने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ले आके यहाँ से सेंटर में आपको यहाँ से जहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार स्क्रीन पर टैप करेंगे। आपको उसी टाइम लाइन पर रहना है। उसके बाद फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपली आपको जो आपको यहाँ पे टाइप करना है वो टाइप कर लेना। तो मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से फंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपने हिसाब से जो भी फंट आपको अच्छा लगे तो उसको सिलेक्ट कर लेना। तो सिंपली मैं ये वाला फंट यूज करने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, साइज वाले 18 PT वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको 18 PT से बढ़ा के आपको 24 पॉइंट कर लेना है, ठीक है। 24 पॉइंट करने के बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर वाले में आने के बाद आपको वाइड रख लेना है। सिंपली साइज आप अपने लोगों के हिसाब से रखना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे। साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, कर देते हैं 28, ठीक है। उसको ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, लोगों के सेटअप के हिसाब से। सेट करने के बाद देन बैक एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार स्क्रीन पे टैप करना है। टैप करने के बाद इस पर थोड़ा देर प्रेस करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे दोनों ऑप्शन को, ठीक है, लोगो और टेक्स्ट वाले फाइल को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको ऊपर यहाँ पर मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ग्रुप वन बन जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फेस मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से आपको जूम आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको जूम को आपको अपने हिसाब से सेट करना है फायर स्मोक के हिसाब से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जहाँ से फायर ख़त्म हो रहा है कुछ इस तरह से वहाँ पे ले जाके इसको सेट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये भी देखना है कि स्मोक शुरू कहाँ से हो रहा है, वहाँ पर पॉइंट पर ये रहना चाहिए, ठीक है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से सेंटर में एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको बैक एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपको डिस्टेंशन वार्प वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक। यहाँ से आपको सर्कुलर रिपल वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। देन उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फ्रिक्वेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक। आपको इसके शुरू के टाइम लाइन पर आ जाना है, ठीक, कुछ इस तरह से आपको। उसके बाद आपको यहाँ से एक की फ्रेम लगाना है, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद 2 सेकंड तक जाएंगे, 2 सेकंड यहाँ, ठीक। फिर से एक प्लस का आइकन लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आपको ज़ीरो कर देना है, ठीक। यहाँ से एकदम फ्रीक्वेंसी आपको ज़ीरो कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है शुरू में, ठीक। पहले डॉट पर जो लगाए हैं यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी को 50 कर देना, ठीक, कम करके। कुछ इस तरह से 50 कर देंगे, ठीक है।
देन उसके बाद फिर से बैक एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे जाना है यहाँ मास्क वाले की पे, मैट मास्क की वाला, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको वाइप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इस इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन फिर से आएंगे वाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे। इस पर भी आपको शुरू में एक की फ्रेम लगाना है प्लस के आइकन पे क्लिक करके, और सेम जगह पे फिर से इस पर भी लगाना है 2 सेकंड पे, ठीक, एक की फ्रेम यहाँ पे भी लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक की फ्रेम लगाने के बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ पे आ जाना पहले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एकदम इस सेंटर पे आ जाना, ठीक है, इस की फ्रेम पे, ठीक। आपको यहाँ से क्या करना है, इसको कम करके एकदम 0 1 कर देना, ठीक है। यहाँ से आपको कम करके कुछ इस तरह से 1 कर देना है, ठीक। 1 करने के बाद सिंपली आपको बैक एरो पे क्लिक करना है, बैक आ जाना, एक बार स्क्रीन पे टैप कर लेना, ठीक। उसके बाद प्ले करके देखेंगे, कुछ इस तरह का आपका बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस ग्रुप पे क्लिक करके, ठीक है, अब यहाँ मोबाइल ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे जो करना हो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पे टैप करेंगे, आप प्ले करके देखेंगे, कुछ इस तरह का आपका लोगो बन चुका है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से फायर स्मोक वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर से ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे, ठीक। आपको नीचे आएंगे, होई शिफ्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे आप जो कलर आपको पसंद हो उस कलर का आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो कलर पसंद हो उस कलर का आप इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, इस कलर का चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसको बनने के बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर क्लिक करना है इस एरो पे, ठीक है, देन उसके बाद वीडियो वाले ऑप्शन पे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सिंपली वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना।